त्रिपक्षी संघर्ष। देखिए त्रिपक्षी संघर्ष क्या था, इसके बाद जो पुष्पवती वंश होता है, पुष्पवती वंश हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक नए कन्नौज में जो पुष्पवती वंश होता है उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक संघर्ष इसकी सत्ता के लिए संघर्ष होने लगता है। कन्नौज में एक नया संघर्ष देखा जाता है जिसे अपन त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। इस समय गुजर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों का जन्म सामंती रूप से हुआ। गुजर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों का जन्म सामंती स्वरूप में देखा गया। वहीं गुजर प्रतिहारों का उद्भव राजपूत काल से ही माना जाता है। गुजर प्रतिहारों का जो उद्भव है वह राजपूत काल से ही माना जाता है। राजपूत काल के मध्य काल और प्राचीन काल के बीच संधि काल कहलाता है। क्या कहलाता है? राजपूत काल मध्य काल और प्राचीन काल के बीच एक संधि काल कहा जाता है। किस लिए? देखिए उत्तर भारत के अधिकांश राजवंश थे वो राजपूत काल में ज्यादा राजवंश उत्तर भारत के अधिकांश राजवंशों में जो वंश थे वो राजपूत वंश थे। इसलिए इस युग को राजपूत युगीन इतिहास में इसे राजपूतिन युग भी कहा जाता है। राजपूत जो थे उनकी उत्पत्ति में अनेक सारे मत हैं, प्रतिहार इनके अनुसार बारे में अनेक मतभेद हैं। जो मतभेद प्रचलित हैं कुछ मतभेद मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कुछ विद्वान हैं वो राजपूतों को आबू पर्वत से में जब ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ किया तो उनके अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। कुछ विद्वान राजपूतों को विष्ट जब आबू पर्वत यज्ञ करते हैं तो कुछ उनको अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह जो सिद्धांत है पृथ्वीराज राजों की चंद्र बढ़ताई से हमें आधारित है, यह भी इससे हमें पता चलता है। पृथ्वीराज चंद्र बढ़ताई की जो पृथ्वीराज है इन्होंने जिसकी रचना की पृथ्वीराज राजों की उससे हमें कुछ पता चलता है। प्रतिहार देखिए जो जो प्रतिहार चालुक्य चौहान परमार राजपूतों का जन्म इससे माना जाता है। किसे? प्रतिहार चोल चालुक्य आदि का जन्म किससे माना जाता है? क्या आबू पर्वत वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया तो अग्निकुंड से ही उत्पन्न हुए। ऐसे मतभेद अनेक राजपूतों की उत्पत्ति में कुछ अनेक मतभेद प्रचलित हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है? गुजरात के जो गुजर प्रतिहार वंश होता है इसका वंश अपने सामने आता है। इसके बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो मालवा का शासक होता है नागभट्ट प्रथम यह गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो होता है नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम में ये 730 से 756 ईस्वी तक 756 ईस्वी पर गद्दी पर शासन पर बैठता है। इसकी जो निश्चित जानकारी है हमें ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जो निश्चित जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से बताते हैं इसने अरबों से लोहा लिया, इसने अरबों से लड़ाई की संघर्ष किया और उन्हें सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। सिंध जो प्रांत था हमारा देखिए मैप में अपन देखते हैं जो सिंध जो प्रांत होता है उससे ये अरबों को इसने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसे नारायण का अवतार भी कहा गया। क्या इसका अवतार कहा गया? नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार भी कहा गया। इसके दो पुत्र थे दो भतीजे थे नहीं इसके दो भतीजे थे कक्कुड़ और देवराज। ये भी शासन पे बैठते हैं पर इनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है ये भी शासन बैठते हैं। लेकिन इनके साथ एक जो महान फिर एक शासक आता है वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे। कुक्कड़ और देवराज दो भतीजे होते हैं नागभट्ट प्रथम के, ये भी शासन पे बैठते हैं लेकिन इनका शासन इतना मत। उसके बाद अपन वत्सराज पढ़ते हैं। वत्सराज जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वत्सराज जो होता है इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये इस वंश का पहला शासक होता है जिसे सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। वत्सराज जो इस वंश का पहला शासक होता है जिसे इसे महान सम्राट की जिसे इसे सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। कौन सी? इसे सम्राट की उपाधि दी जाती है, सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है। इसी के समय से ऐसा माना जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। नागभट्ट के बाद जब वत्सराज बैठता है गद्दी पर इसी के समय ऐसा माना जाता है कि इसी के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। जब इसका युद्ध धर्मपाल पाल शासक जो धर्मपाल है उससे हुआ तो इन्होंने इसने उसे वत्सराज ने उसे परास्त किया लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था उससे ही परास्त हुआ। और वत्सराज के बाद जो इनका उसका उत्तराधिकार होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय कौन था? नागभट्ट द्वितीय ही वत्सराज का पुत्र था। ये गद्दी पर बैठता है। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय
गद्दी पर बैठता है, जो वत्सराज का पुत्र होता है। यह प्रतिहारों की जो प्रतिष्ठा होती है, मान प्रतिष्ठा, उसको आगे बढ़ाता है। और इसका जो उल्लेख है हमें, इसका भी उल्लेख हमें वाल्यर अभिलेख से ही प्राप्त होता है। लेकिन इसका जो उल्लेख होता है वो भी हमें वाल्यर अभिलेख से ही प्राप्त होता है। इसने भी पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया। किसको परास्त किया? पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया और कन्नौज पर अपना अधिकार किया। कन्नौज पर अपना अधिकार सिद्ध किया, अधिकार किया इसने। जब लड़ाई हुई इसकी धर्मपाल से, तो इसने उसको खदेड़ दिया, परास्त कर दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया। इसने उसे राजधानी बनाया, कन्नौज को ही जब इसने राजधानी बनाया। इसके बाद इसका जो युद्ध होता है, लड़ाई, राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय को परास्त किया। राष्ट्रकूट जो शासक होता है गोविंद द्वितीय, कौन होता है? गोविंद द्वितीय तृतीय, गोविंद तृतीय माना गया है कि गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट जो शासक था गोविंद तृतीय, उससे इसका युद्ध होता है और ये उसे भी परास्त कर देता है। कौन? नागभट्ट द्वितीय उसे परास्त कर देता है। इसके समय बहुत सारे क्षेत्रों पर ये अधिकार कर लेता है। इसका साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। इसे भट्टारक, भट्टारक और महाराजा धीराजा की उपाधि दी। इसे परमेश्वर जैसी अनेक उपाधियां दी। महाराजा धीराजा, परमेश्वर, भट्टारक, ऐसी उपाधियां इसने प्राप्त की। इसका जो पुत्र है रामरथ, इसके बाद इसका एक पुत्र होता है रामरथ, जो शासक संभालता है। ये पालों से परास्त होता है। इसका भी शासनकाल बहुत कार्यकाल छोटा होता है। इसका जो पुत्र होता है रामभद्र, शासक बना जो पालों से परास्त हुआ। किसे परास्त हुआ? पालों से परास्त हुआ। लेकिन इसके बाद जो शासक बनता है, नागभट्ट के बाद रामभद्र शासक बनता है, इसका शासनकाल बहुत छोटा रहता है। उसका महीरभोज शासक बनता है। कौन बनता है? महीरभोज। महीरभोज के बारे में पढ़ेंगे अपन। महीरभोज जो शासक बनता है, राजा भोज प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है। महीरभोज को एक और नाम दिया गया है, राजा भोज, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, राजा भोज के नाम से। ये बहुत प्रतापी शासक होता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक महीरभोज होता है। 836 से 889 ये इसका कार्यकाल रहता है। कन्नौज पे लंबे समय तक अधिकार रखता है और इसे राजधानी बनाकर रखा। कन्नौज का लंबे समय पर इसका अधिकार रहा और इसने इसे को राजधानी बना के रखा। ये इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था। इसका जो क्षेत्र था बंगाल क्षेत्र में, जब इसका विस्तार होने लगा बंगाल की सीमाओं से, बंगाल क्षेत्र में जो इसने अपना विस्तार करना चाहा, क्या करना चाहा? बंगाल क्षेत्र में जो इसने विस्तार करना चाहा, लेकिन पाल शासक धर्मपाल से परास्त हो गया। जब इसकी लड़ाई हुई महीरभोज की पाल शासक धर्मपाल से, तो ये परास्त हुआ और पाल शासक नारायण पाल को इसने परास्त किया। पाल शासक जो धर्मपाल है उससे महीरभोज परास्त होता है, लेकिन ये पाल शासक नारायण पाल जो है उसे परास्त कर देता है। और राजा कठियावाड़ा, इसका जो क्षेत्र होता है, इसका जो क्षेत्र विस्तार होता है, जब ये बंगाल की तरफ बढ़ता है तो पाल शासक धर्मपाल से ये परास्त हो जाता है ये लड़ाई में, लेकिन पाल शासक जो नारायण पाल होता है उसे परास्त कर देता है। और इसका जो राज्य था काठियावाड़ा, गुजरात और मालवा के क्षेत्रों तक इसका साम्राज्य फैल चुका था। इसने साम्राज्य विस्तार किया। और इसी के समय अरबी जो यात्री है सुलेमान भारत आता है। कौन आता है? सुलेमान भारत आता है। और जो सुलेमान होता है, जो भारत आता है, तो ये महीरभोज को बरुआ की उपाधि देता है। कौन सा? कई की उपाधि देता है? बरुआ की उपाधि देता है महीरभोज को। इसी के समय आदि बरहमीर इसको अनेक सारी उपाधियां दी गई, क्योंकि विष्णु का भक्त था, विष्णु भक्त था, तो इसको आदि बरहमीर प्रभाव जैसी उपाधियां दी। इसके द्वारा इसका जो अभिलेख है हमें, इसकी भी जो इसने जो अभिलेख स्थापित किया, अभिलेख माना गया, ग्वालियर जो अभिलेख है इसके द्वारा स्थापित माना गया। क्या माना गया है? ग्वालियर जो अभिलेख है इसके द्वारा स्थापित किया गया माना गया है। और आदि वराहमीर प्रभा जैसी अनेक उपाधियां इसने प्राप्त की। विष्णु को ये विष्णु भक्त था, विष्णु का भक्त मानता था, विष्णु का भक्त था। इसके बाद महीरभोज जो प्रतापी शासक होता है, इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इनका एक और शासक होता है महेंद्रपाल। कौन होता है? महेंद्रपाल। ये जब शासक बनता है तो बिहार, उत्तर बंगाल, इसका साम्राज्य जो था बिहार, उत्तर बंगाल साम्राज्य विस्तार करता है। और महाराजा धीराजा
परम भट्टारक आदि उपाधियां भी प्राप्त करता है। कौन सी? महेंद्रपाल जब शासक होता है तब ये बिहार उत्तर बंगाल की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करता है और महाराजा धीराजा महापट्टा वीरक आदि उपाधियां इसको दी जाती हैं। कश्मीर के शासक शंकर वर्मन से ये परास्त हो जाता है। जब कश्मीर के शासक जो शंकर वर्मन होता है उससे परास्त हो जाता है। इसके शासनकाल में प्रतिहारों ने अभूतपूर्व प्रगति की। ऐसा माना जाता है कि इसका जो शासनकाल था महेंद्रपाल का, इसके शासनकाल में प्रतिहारों ने अभूतपूर्व प्रगति की। कश्मीर के शासक शंकर वर्मन से जब ये परास्त हो जाता है और इसका जो उल्लेख है, इसके शासनकाल में प्रतिहारों ने अभूतपूर्व प्रगति की, इसका जो उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? राजशेखर की कृति। राजशेखर जो है, जिसके महेंद्रपाल के गुरु हैं, राजशेखर की एक कृति है बाल रामायण, उसमें अपन को इसका उल्लेख मिलता है कि प्रतिहारों ने अभूतपूर्व प्रगति की। राजशेखर जो है होते हैं ये महेंद्रपाल के गुरु होते हैं। कौन होते हैं? महेंद्रपाल के गुरु होते हैं। राजशेखर ने जो इसके गुरु होते हैं, इन्होंने रचनाएं जो की हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण और हरविलास आदि अनेक रचनाएं की हैं इन्होंने। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राजशेखर में जो महेंद्रपाल के गुरु होते हैं, इन्होंने जो रचनाएं की हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण और हरविलास। महेंद्रपाल के बाद जो शासक होता है, वो होता है महीपाल शासक होता है। महेंद्रपाल के बाद महीपाल शासक होता है। इसके समय बगदाद का जो अलमसुदी है, कौन? अलमसुदी भारत आता है। कौन इसके शासनकाल में भारत होता है? अलमसुदी इसके समय भारत आता है। कब आता है? 915 से 916 में गुजरात में आता है। भारत आता है। जब गुजरात से होकर जब ये भारत, गुजरात से ये भारत में प्रवेश करता है, बगदाद का अलमसुदी भारत आता है। इसके समय राष्ट्रकूट शासक इंद्रपाल कृति का आक्रमण किया। किसने किया? इसके जो शासनकाल था महीपाल का, इस समय राष्ट्रकूट शासक इंद्रपाल कृति ने आक्रमण किया और इसने कन्नौज राज्य को पूरी तरह उखाड़ दिया। ठीक है, कन्नौज जो राजधानी थी महीपाल के समय इंद्रपाल तृतीय का आक्रमण, तृतीयपाल ने आक्रमण किया और जो कन्नौज राजधानी थी इसको पूरी तरह उखेड़ दिया और उजाड़ दिया। इसके बाद जब इंद्रपाल तृतीय आक्रमण कर देता है, कन्नौज को अधिकार का उखेड़ देता है, खदेड़ देता है, तो इसके बाद क्या होता है कन्नौज राजधानी के बाद? इसके बाद 1017 से 1018 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनवी जो आपने, मैंने एक आपको एक लेक्चर में पढ़ाया मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? 1017 से 1018 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण किया और प्रतिहार शासक क्या होता है? प्रतिहार शासक जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो है अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। जब मोहम्मद गजनवी 1017 से 1018 में आक्रमण करता है तो प्रतिहार जो गुजर प्रतिहार जो शासक होता है राज्यपाल अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है और क्रोधित होकर चंदेल शासक जो होता है, गंडदेव जो होते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। राज्यपाल जब मोहम्मद गजनवी 1017 में आक्रमण करता है तो ये राज्यपाल को परास्त कर देता है, उन्हें खदेड़ देता है, तब राज्यपाल भाग जाते हैं। इसमें मोहम्मद गजनवी का एक और, जो मोहम्मद गजनवी के समय राज्यपाल का जो पुत्र होता है तिरोचन जो पुत्र होता है इसका, मोहम्मद गजनवी उसे भी परास्त करता है, लड़ाई लेता है। लेकिन राज्यपाल जब भाग जाता है अपने क्षेत्र को छोड़कर तो चंदेल शासक गंडदेव जो होते हैं इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। इस वंश का जो फिर अंतिम शासक होता है यशपाल माना गया है। इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ, कौन हुआ? यशपाल। यशपाल जो था इस वंश का अंतिम शासक माना गया। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक माना गया है। अपन ने पढ़ा इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष की बात, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुजर प्रतिहार वंश, आज जो अपना लेक्चर था ये अपन ने पढ़ाया गुजर प्रतिहार वंश। इस पे अपन ने नागभट्ट प्रथम पढ़ा है जो 730 से 756 ईस्वी, उसके बाद वत्सराज पढ़ा है, इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद एक छोटा शासक होता है रामभद्र, इसके बाद महीरभोज के बाद महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के बाद महीपाल और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है यशपाल होता है। इसके बाद अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कन्नौज का गढ़वाल वंश।
कन्नौज का, इसके बाद जो अगले लेक्चर पढ़ेंगे कन्नौज का गढ़लाल वंश जो होता है उसमें अपन पढ़ेंगे चंद्रदेव, गोविंद देव और जयचंद्र, जो गढ़लाल वंश के जो शासक हुए हैं कन्नौज के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिपक्षी संघर्ष के अंदर ही अपन पढ़ेंगे। जो आज अपन ने पढ़ा है हर्षवर्धन के बाद जो काल आया त्रिपक्षी संघर्ष का, उसमें नागभट्ट, वत्सराज, मिहिरबोज, महेंद्रपाल और महीपाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कन्नौज का गढ़लाल वंश, जिसमें अपन पढ़ेंगे जयचंद्र, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव। चंद्रदेव वंश का संस्थापक होता है। ठीक है फ्रेंड्स।